हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डेली नॉलेज। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड नाउन एंड इट्स टाइप्स। नाउ टुडेज टॉपिक इज प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। नाउन्स, इट्स टाइम टू लर्न अबाउट प्रॉपर नाउन्स एंड कॉमन नाउन्स। आर यू रेडी? Great. You probably already know what a noun is about. I am still going to give you a little refresher. Nouns are words that name people, places, things or ideas. There are many different types of nouns, and in this lesson we will go over two of them, common and proper. Noun kya hai? Noun name of any people, place, things or idea, उसको हम noun कहते हैं। Proper nouns and common nouns, understand proper nouns, so let's focus on common nouns first and then we will see what the relationship is between them. Common nouns. Common nouns name people, place, things or idea that are generic. मतलब common nouns वो होते हैं people, place हो, things हो या idea हो, लेकिन वो generic, मतलब के woman, city, dog, मतलब woman पता नहीं कौन सी woman, city पता नहीं कौन सी city, dog पता नहीं कौन सा dog. Notice that we don't know exactly which woman, city or dog we are referring to. इस बात पे तवज्जो दें कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वुमेन, सिटी, डॉग, हम किसी को रिफ़र नहीं कर रहे हैं। सिंस दिस नाउन्स आरंट नेमिंग एनीथिंग स्पेसिफाई, दे डोंट नीड टू स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर अनलेस दे बिगिन अ सेंटेंस। नाउ प्रॉपर नाउन्स, दिस आर नाउन्स दैट नेम स्पेसिफिक पीपल, प्लेस, थिंग्स आर आइडिया, जैसे कि माया, पेरिस, रोवर। कॉमन नाउन में हमने नोटिस किया था कि हम किसी भी चीज़ का हमें पता नहीं है, जैसे कि वुमेन का था वहाँ पे कोई नेम नहीं था, और प्रॉपर नाउन में क्या है, नेम है। सिटी थी, यहाँ पे क्या है, पेरिस। डॉग था, यहाँ पे क्या है, रोवर। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि कॉमन नाउन में हमें पता नहीं होता, हम किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं करते। यहाँ पे हमें पता होता है, जैसे कि नेम हो गया, माया हो गया, पेरिस हो गया, सिटी हो गई, etc. डू यू सी हाउ दीज आर डिफरेंट? माया इज़ नेमिंग अ स्पेसिफिक वुमेन, पेरिस इज नेमिंग अ स्पेसिफिक सिटी, एंड रो इज नेमिंग अ स्पेसिफिक डॉग। सिंस दीज नाउन्स आर नेमिंग स्पेसिफिक थिंग्स, दे ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल letters, sometimes they contain two or more important words. जैसे माया एंजेलस, सेंट्रल पार्क जू, स्पेसिफिक ओशन। इफ दिस इज द केस, बोथ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर कैपिटलाइज्ड एंड द होल थिंग इज स्टिल कंसिडर टू बी वन नाउन, इवन so it's made up of more than one word. These are called compound nouns. How about that? Now we will discuss relationship between common noun and proper noun in next lecture.